हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। सेवन्थ स्टैंडर्ड मैथ्स में आज हम अपना 14 लेसन जो है सिमेट्री वो कंप्लीट करेंगे। तो ये तो आप पहले पढ़ चुके होंगे, फिफ्थ में भी पढ़ा होगा और क्या नाम है सिक्स में भी पढ़ा होगा कि सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री नहीं होता है लुक लाइक या मिरर इमेज आप कह सकते हो, ठीक है कि नहीं है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि यदि आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो आप वैसे ही नजर आते हो ना, कि नहीं, कि आपकी नोज़ कभी ऐसा तो नहीं होता कि इसमें ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही हो, ऐसा नहीं होता है। प्लेन मिरर की बात कर रही हूँ मैं, अगर प्लेन मिरर में आप देखोगे तो सेम टू सेम वैसे ही दिखाई दोगे, तो दैट इज कॉल्ड द सिमेट्री, ठीक है। तो आज हम जो देखें आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने 1 से लेकर के 10 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनको जो होता है वो देखिए सिमेट्री पता करने के लिए हमको एक लाइन की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड द सिमेट्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले है ओ, वो एक ऐसा है, ओ कह लो उसे जीरो कह लो, ये एक ऐसा है कि आप इसको ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, और आपको अलग अलग आप कह सकते हैं कि इन्फिनिटी सिमेट्रिकल लाइन यूज करते हो, उसको कितने भी भागों में काटा जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए यूज करने के लिए हमको जो सिमेट्रिकल लाइन है वो इन्फिनिटी है। अगर मेरे को इसको सिमेट्री में देखना हो, सिमेट्री लाइन देखिए दो बराबर हिस्सों में काटना है, सेम टू सेम दिखनी चाहिए दोनों साइड, जिसमें देयर इज नो चेंज, तो ये होगा यहाँ, ठीक है। तो दो तरीके की लाइन होती है, एक होता है ये वाली लाइन और दूसरी होती है दिस, इसको बोलते हैं वर्टिकल और इसको बोलते हैं स्किपिंग बोलो या हॉरिजॉन्टल बोलो, दोनों एक ही मतलब है, ठीक है। इन दोनों लाइनों को यूज करके आप जो है वो इन अल्फाबेट को कट करोगे। अब ये जो है इसका सिमेट्री बन सकता है, इसका सिमेट्री नहीं बनेगा, इसका बन सकता है। अगर ये आपके दोनों पार्ट सेम है तो इसका बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा। हाँ, एक अगर दोनों पार्ट सेम है, मैंने कहा कि ये वाला पार्ट सेम टू सेम ये है, तो आपका बीच में से काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, दोनों इसमें नहीं बन सकता और ये बन सकता है ऐसे। आप जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन या स्लीपिंग लाइन यूज करके जो है जबकि ऐसे काटेंगे तो नहीं बनेगा, ठीक। तो आप अपना ये पूरा चैप्टर जो है एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो बच्चों को बहुत मजा आता है ऐसे करने में। तो सबसे पहले आप जो है जिस तरीके से मैंने अल्फाबेट लिखे, जिस तरीके से मैंने डिजिट्स लिखे ना, इसी तरीके से आप लोग जो है वो क्या कीजिएगा कि अल्फाबेट लिखिएगा वो ए से लेकर के जेड तक, और ए से लेकर के जेड में आप देखोगे जैसे मान लीजिए ए बनाया, तो ए में मुझे ये बताइएगा कि इसमें सिमेट्री हो सकती है कि नहीं, हो सकती है तो कौन सी वाली है। आप कहोगे हाँ इसमें सिमेट्री हो सकती है, आप यहाँ पर जो है वो वर्टिकल लाइन यूज करके आप सिमेट्री काट रहे हैं। किसी तरीके से अगर मैं बी बोलूँगी तो बी में हो सकती है, तो हाँ इसमें आप क्या यूज कर रहे हैं, इसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर रहे हैं, स्लिपिंग लाइन यूज कर रहे हैं और उसको दो बराबर हिस्सों में काट रहे हैं। इस तरीके से आप जो है वो ए से लेकर के जेड तक जो है सारे अल्फाबेट लिखे हो गए और सब अल्फाबेट का जो है वो सिमेट्री कट रहा है कि नहीं कट रहा है उसे पता ही होगा। अब आता है मिरर इमेज। मिरर इमेज यूज होता है फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को मैंने यहाँ पर बी बनाया, तो वो इस तरीके से मैंने आपसे बोला कि भाई इसका मिरर इमेज बना के बताओ मुझे, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे मिरर इमेज का मतलब होता है, या तो मैं आपसे बोलूँगी कि इसकी सिमेट्री सेम टू सेम बना के बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, यहाँ पर आप ये लिखेंगे फिर आप बीच में ये आपने सिमेट्री आगे ये सेम टू सेम इस तरीके से, ठीक है। तो आप जो होता है या तो इस तरीके से आपसे पूछा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले आपके कौन कौन से जो है चीजें एक्टिविटीज करनी है, पहली एक्टिविटीज आपको करनी है कि आप लोग ए से लेकर 1, 0 से लेकर के 10 तक डिजिट लिखते हैं और उन डिजिट में पाई जाने वाले पहले तो कहीं की सिमेट्री है कि नहीं है, यस और नो, और फिर अगर कौन से है तो कौन सी आपने यूज करी है, ठीक है। दूसरा वाला एक्टिविटी में आप जो है अल्फाबेट लेंगे, आप ए से लेकर के जेड तक पहले पूरे सारे अल्फाबेट लिखेंगे और अल्फाबेट के बाद में उनको देखोगे कि वो खुद अपने आप में अल्फाबेट कौन सा अल्फाबेट होता है वो उसी में ही सिमेट्री शो कर रहा है और कौन सी यूज कर रहा है, ठीक है। ये दूसरी एक्टिविटी हो गई। तीसरी वाली एक्टिविटीज में आप कोई से भी 5 फिगर्स ले लीजिए, या शेप ले लीजिए या कोई डिजाइनिंग ले लीजिए और आपको उनका मिरर इमेज बनाइए। मिरर इमेज मीन्स होता है अगर जो आपको दिया गया
डिफरेंट वैसा ही, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई बटरफ्लाई या फिर मान लीजिए कोई मैंने यहाँ पर जो है वो बटरफ्लाई जो है वो बना दी है और आपसे बोला जा रहा है कि आप इसका मिरर इमेज बनाइए, तो आपको सेम इसको इसी तरीके से यहाँ पर मैं इनको आगे करेंगे और यहाँ पर जो है वो सेम ऐसे ही बना देंगे। और जो कलर अगर आप कलर कर रहे हो तो जो कलर आप यहाँ पर कर रहे हो वो कलर आप इस साइड में भी उसी साइड में थोड़ा शेड कर रहे हो तो शेड भी सेम वैसा ही होनी चाहिए। देयर इज नो चेंज, अगर थोड़ा सा भी कोई चेंज आता है तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो शेप है वो सिमेट्री शो नहीं करेगा। आई बस समझ में, सेम साइज शेप फिगर सारे पार्ट्स होते हैं वो सेम टू सेम नहीं होने चाहिए, इसे कहते हैं मिरर इमेज। अब आता है हमारा नेक्स्ट वन, ये बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ होता है, दैट इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द सिमेट्री। ये पार्ट है और ये बी पार्ट है, ठीक
ये वाला 90 रहेगा तो ये वाला प्री पार्ट होगा और ये वाला प्री पार्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये वाला आपने जब कितना 180 घुमाया है तो और जब 90 डिग्री घुमाया है तो ठीक है। तो आपने क्या देखा, पहले देखा करेंट पोजिशन कहाँ पर है, कौन कौन से हमको जो है पार्ट ध्यान रखने हैं, और फिर उसने देखा कि आपको अगर सर्कमस्टेंसेस दे रहा है कि 180 मूवमेंट के बाद वाली पोजिशन, तो पहले 180 में हमको आना टारगेट रहेगा, आप खुद से मूव करके देख लेंगे कि वो कहाँ पर पोजिशन दिखेगी। तीन स्टेप्स में आपको ऑलरेडी जो होता है वो पता चल रहा है कि रोटेशन ऑफ सिमेट्री क्या है, ठीक है। तो आपके जितने भी जो सम्स हैं वो लगभग उसी पर रिलेटेड हैं कि आपको जो होता है अलग अलग शेप्स देने हैं, और उन शेप्स में आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि पहले तो ये बताइएगा कि सिमेट्रिकल लाइन है कि नहीं है, फिर दूसरा हमको ये बताइएगा कि आप जो होता है मिरर इमेज उसका कैसे बनाओगे, तीसरा आप मुझे बताओगे रोटेशन ऑफ सिमेट्री। ये तीन टॉपिक्स आज हमने जो है वो डिटेल में पढ़े हैं, जिसमें से थोड़ा सा जो है वो क्या नाम है रोटेशन ऑफ सिमेट्री जो होता है वो आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है शायद प्रैक्टिस से आए वो आपको बिना प्रैक्टिस के लिए आ सकता। अब अगर आपके पास में एक और नियम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ग्राफ दिया कर लीजिए कि आज आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।